अस्सलाम वालेकुम, आई एस एम किचन में आपका स्वागत है। आज हम चिकन स्टीम रोस्ट बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने 1 kg से ऊपर चिकन लिया है। इसको हमने इसे कट्स लगा लिए हैं। आइए हम देखते हैं आगे हमने क्या क्या चीज़ें इसमें ली हैं। दही लिया हमने 4 टेबल स्पून, 3 टीस्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, इलायची पाउडर लिया 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून करीब गर्म मसाला लिया है, ज़ीरा पाउडर लिया है 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर लिया है 1 टीस्पून से कम, कश्मीरी लाल मिर्च हमने लिए 2 टीस्पून, 2 टीस्पून हमने लाल मिर्च लिए, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लेंगे। सबसे पहले हम दही लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे, सारे मसाले लेंगे, 4 टीस्पून हमने विनेगर लिया है वाइट सिकर। अब हम इन सब मसालों को मिक्स कर लेंगे। देखिए सारे मसाले हमने इसके अंदर मिक्स कर लिए। अब हम इसके अंदर चिकन डालें, सारे मसाले सब अच्छे से मसाले इसके अंदर जज्ब करा देंगे। देखिए सारे मसाले हमने इसके अंदर अच्छे से अंदर बाहर लगा लिया है। अब हम इसको फ्रीज के अंदर 4 घंटे के अंदर रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। घंटे हो चुके हैं मैरिनेट करे हुए और हमने इसके लेग्स वगैरह इस तरह धागे से बांध दिए। अब हमने हमारी कढ़ाई रख दी है, उसको हल्के से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। देखिए हमने इसको रख दिया है। अब ये जो मसाला हमारा बचा हुआ है इसको भी हम इसके अंदर डाल देंगे। देखिए हमने मसाला भी सारा डाल दिया। अब हम इसको कवर करके 15 मिनट के लिए रख देंगे। 15 मिनट बाद हम दूसरी साइड चेंज करेंगे। देखिए हमारे 15 मिनट हो चुके हैं। साइड हमने चेंज कर दिया, इसको फिर 15 मिनट के लिए कवर करके रखते हैं। 15 मिनट हमारे हो चुके हैं, इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। देखिए हमारा चिकन रोस्ट स्टीम तैयार है ज़ीरा राइस के साथ। आपको हमारी रेसिपी पसंद आए और फर्स्ट टाइम आप हमारी देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं आपको हमारी रेसिपी कैसे लगे और हमें अपनी दुआओं में शामिल करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।